हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली 2022 होंडा सिविक हैचबैक के बारे में, जो कि एक बार फिर से टेस्टिंग टाइम पे स्पोटेड हो चुकी है। बट फ्रेंड, इस बार इसके जो क्लोरेस्ट स्पाइस फोट है वो हमें मिले हैं, जिसके ऊपर से इसकी मोर डिटेल्स है वो रिवेल हुई है। तो फ्रेंड, जो होंडा ब्रांड है उसने अपनी न्यू जनरेशन होंडा सिविक का प्रोटोटाइप है वो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था, और फिर उसके बाद इसके जो टेस्ट मिल्स है वो हमें देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड, जो न्यू स्पाइस सोर्स है उसके अंदर हमें इसका बैटर लुक देखने को मिला है, और फ्रेंड इसका बैटर लुक के अंदर हमें इसका न्यू फ्रंट फेशिया देखने को मिला है, जो कि हमें न्यू ग्रिल विद हनीकॉम मैस इंसर्ट एंड स्लिमर हेडलाइट्स के साथ देखने को मिला है। और फिर इसका जो लोअर बम्पर है वो हमें वाइडर एयर इंटेक के साथ एंड हॉरिजॉन्टल बार्स ऑन द हनीकॉम पैटर्न के साथ देखने को मिला है। तो फ्रेंड, अगर बात करें उसके मेजर चेंजेस के बारे में, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें ए पिलर्स देखने को मिलने वाले हैं, और फ्रेंड इसके अंदर हमें लेस एग्रेसिव डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है, और फ्रेंड इसके अंदर हमें मोर ट्रेडिशनल बेल्ट लाइन एंड लार्जर ग्रीन हाउस एरिया देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें न्यू रियर क्वार्टर ग्लास के साथ देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड इसका जो रियर प्रोफाइल है उसके अंदर हमें मोर कन्वेंशनल प्रोफाइल देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें विंग एंड वेंटिलेटर रियर बम्पर से मिस्ड आउट देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड इसके अंदर हमें स्मॉल डिफ्यूज़र एंड न्यू टेल लैंप्स देखने को मिलने वाले हैं। बट फ्रेंड, अभी इसकी जो इंटीरियर डिटेल्स है वो अभी तक रिवेल नहीं हुई है, बिकॉज इसके जो इंटीरियर है उसका एक भी स्पाइस शॉट है वो हमें अभी तक नहीं मिला है। तो फ्रेंड, इसके इंटीरियर फीचर्स है वो हमें सिविक प्रोटोटाइप के जैसे ही देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें कैबिन का मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन विथ अ स्लिम एंड क्लटर फ्री डैशबोर्ड देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर की हमें फ्री स्टैंडिंग 9-inch टच की इंफॉर्मेशन सिस्टम देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाली हूँ इसके इंजन के बारे में। तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें 1.5 लीटर फोर सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें 174 BHP के मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ एंड 220 Nm के पीक टॉर्क के साथ देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें न्यू SI एंड टाइप R वेरियंट्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमें पावर्ड बाय 306 BHP 2.0 लीटर फोर सिलेंडर इंजन के साथ देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स, ये ऑफिशियली जापान के अंदर नवंबर 2021 के दिन डेब्यूट होने वाली है, और फ्रेंड्स ये हमें जल्द ही इंडिया के अंदर भी देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड, इसी तरह से हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव एंड ऑटोमोटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।